दोस्तों नोबल रील के लोकप्रिय कार्यक्रम खबर पर नजर में आपका स्वागत है। आज हम सीएबी यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर चर्चा करेंगे। नागरिक संशोधन बिल लोकसभा में पारित हो चुका है। इस बिल को विपक्ष ने धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण बताया है, परंतु अमित शाह इसका खंडन करते हैं। उनका कहना यह है कि इसका भारत में बसने वाले मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह तो तीन देशों में परेशान होकर भारत आने वाले शरणार्थियों के लिए एक आजादी की दस्तावेज है। जिन देशों का इस बिल में समावेश किया गया है वहां पर मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, इसलिए मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया, बल्कि वहां के अल्पसंख्यकों के लिए ये बिल बनाया गया है। इस बिल में चूंकि मुसलमानों का समावेश नहीं किया गया है, इसलिए ये बात कही जा रही है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, उनके विरुद्ध है, और ये बात सही भी है। लेकिन ये बिल बौद्धों और हिंदुओं के भी खिलाफ है, इसलिए कि इसमें केवल तीन देशों का जिक्र है। हालांकि बौद्ध समाज और हिंदू समाज इन तीन देशों के अलावा सारी दुनिया के मुख्तलिफ देशों में रहता है, वहां पर भी वो अल्पसंख्यक है, वहां पर भी वो प्रताड़ित है, लेकिन वहां रहने वाले हिंदू और बौद्ध इस बिल से फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए ये बात कही जा सकती है कि भौगोलिक आधार पर ये बिल हिंदुओं और बौद्धों के साथ भी पक्षपात करता है, किसी को इसका फायदा उठाने की इजाजत देता है और किसी को इससे वंचित कर देता है। अब अगर कोई ये कहे कि हम सारी दुनिया की चिंता नहीं कर सकते, परंतु उन्हीं देशों तक अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं जो किसी जमाने में अखंड भारत का हिस्सा थे, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश, तब प्रश्न ये पैदा होता है कि इसमें अफगानिस्तान कहां से चला आया? अफगानिस्तान तो अखंड भारत का हिस्सा नहीं था। अब अगर अफगानिस्तान इसमें शामिल हो सकता है तो चीन क्यों नहीं शामिल हो सकता? श्रीलंका क्यों नहीं शामिल हो सकता? बर्मा को इसमें क्यों नहीं मिलाया गया? ये प्रश्न अफगानिस्तान के आने से अपने आप पैदा हो जाते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तरह चीन, श्रीलंका और बर्मा भी हमारे पड़ोसी देशों में शामिल है। सबसे पहले श्रीलंका का उदाहरण लेते हैं। वहां पर दो बड़ी कौमें बसती हैं, एक तमिल जो हिंदू हैं और एक सिन्हाला जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। इन दोनों के बीच बहुत पुरानी लड़ाई है। आपने सुना होगा इंदिरा गांधी के युग में इन तमिलों को सिन्हाला लोगों के अत्याचार से बचाने के लिए तमिल टाइगर्स बनाई गई थी, उनको अपने देश में अपनी धरती पर प्रशिक्षण दिया गया, हथियार दिए गए और एक बड़ा गृह युद्ध कई सालों तक श्रीलंका में चला। वहां पर तमिलों को भारत का समर्थन प्राप्त था और सिन्हाला को उनकी श्रीलंकन सरकार समर्थन कर रही थी। ये लड़ाई 9 साल से ज्यादा चली, कई लोगों की जाने गई और अब खत्म हो गई, लेकिन वहां पर रहने वाले हिंदुओं पर अत्याचार खत्म नहीं हुआ। अमित शाह जी को पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू याद आते हैं, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू याद आते हैं, लेकिन श्रीलंका में अत्याचार का शिकार होने वाले हिंदू याद नहीं आते। इसलिए जब श्रीलंका के तमिल ये देखते होंगे कि उन लोगों को तो भारत में नागरिकता का अधिकार मिल गया लेकिन हमको नहीं मिला, हमारी क्या गलती है, तो क्या सोचते होंगे, ये आप समझ सकते हैं। श्रीलंका के समान म्यांमार की भी हालत है। वहां पर जहां बौद्ध बहुसंख्यक हैं, वहीं हिंदुओं की भी एक अल्पसंख्यक आबादी है। वहां पर जब झगड़े शुरू हुए, रोहिंग्या को वहां से निकाला गया, तो रोहिंग्या के साथ
बहुत सारे हिंदू भी आए, वो भारत भी आए और बांग्लादेश के अंदर रिलीफ कैंप में भी पड़े हुए हैं। उन लोगों की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। वो भी इस बात के हकदार हैं कि भारत में उनको नागरिकता दी जाए, परंतु मोदी सरकार म्यांमार से अपने संबंध खराब करना नहीं चाहती, इसलिए वहां के हिंदुओं के प्रति अपनी आंखें बंद कर लेती है और सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदुओं को याद करती है। अब आइए तीसरी मिसाल लें। तीसरी मिसाल जो है वो चीन की है। हम सब जानते हैं कि तिब्बत एक बहुत बड़ा इलाका है जो चीन के अंदर है। वहां पर बहुसंख्यक बौद्ध लोग रहते हैं और चीन की नास्तिक सरकार उन पर तरह तरह से जुल्म करती है। वो तरह तरह के अत्याचार का शिकार होते हैं। दलाई लामा को हम सब जानते हैं। कांग्रेस सरकार उनका बड़ा सम्मान करती थी, उनको यहाँ आने देती थी और वो यहाँ रहते थे और अपने कॉज को आगे बढ़ाते थे। इसके चलते कई बार भारत और चीन के संबंध खराब भी हुए, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा तिब्बत में रहने वाले बौद्धों का साथ दिया और चीन से अपने संबंधों की चिंता नहीं की। परंतु मोदी जी की जब से शी जिनपिंग से दोस्ती हुई है, वो अपनी मित्रता का इतना ख्याल रखते हैं कि उन्होंने दलाई लामा को पूरी तरह भुला दिया और उन्हीं के साथ वहां रहने वाले बौद्धों को भी भुला दिया। यही कारण है कि इस बिल में चीन का समावेश नहीं किया गया और वहां के बौद्धों को नागरिकता प्रदान करने की बात नहीं की गई। दोस्तों, इसमें एक और भी भेदभाव है और वो भेदभाव ये है कि जहां पर हिंदुओं पर बौद्ध अत्याचार करते हैं या बौद्धों पर नास्तिक अत्याचार करते हैं तो उसको बर्दाश्त कर लिया जाता है, लेकिन जिन देशों में मुसलमानों के जरिए उन पर अत्याचार होता है उसकी जो है वो उछाल दिया जाता है और उसकी राजनीति की जाती है। तो न सिर्फ ये कि अत्याचार पीड़ितों के मामले में पक्षपात किया जा रहा है बल्कि अत्याचारियों के बारे में भी, यानी एक अत्याचारी हमको चल जाता है और दूसरा अत्याचारी हमें नहीं चलता। इससे बड़ा भेदभाव तो कोई और हो ही नहीं सकता। इस बिल का फायदा उन शरणार्थियों को होगा जो 5 साल से यहां रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ऐसे शरणार्थियों की कुल संख्या 2,89,000 है, यानी सिर्फ 2,89,000 लोगों के लिए ये बिल बनाया जा रहा है। लेकिन यह भी एक भ्रम है, इसलिए कि ये पूरे 2,89,000 लोग इन 3 देशों से नहीं आते हैं जिनका के इसमें समावेश है, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अब आइए मैं आपको बताऊं कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में आने वाले शरणार्थी किस देश से कितने हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या तो बांग्लादेश से आने वालों की है, वो 1,03,000 है। उसके बाद 1,02,000 श्रीलंका से आने वाले हैं। उसके बाद 58,000 तिब्बत से आने वाले हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश से, श्रीलंका से और तिब्बत से आने वाले लोगों में मुसलमान कितने होंगे। पिछले दिनों इस बात का बहुत शोर हुआ कि म्यांमार से लाखों लोग शरणार्थी के तौर पर भारत आ गए हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े बताते हैं कि म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों की संख्या 12,500 से कम है। पाकिस्तान को देखें तो 8,800 से कम और अफगानिस्तान तो बेचारा 3,400 से भी कम है। इस तरह हम ये देखें कि इन देशों से आने वाले लोगों की, शरणार्थियों की संख्या ही क्या है, भारत के 130 करोड़ लोगों में अगर ये चंद हजार लोग आ जाते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। इन शरणार्थियों के भारत में मुख्तलिफ राज्यों में संख्या देखें तो आपको हैरत होगी। 1,00,000 से ज्यादा शरणार्थी तमिलनाडु में है। ये कहां से आए हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद दूसरा क्रमांक छत्तीसगढ़ का आता है, वहां पर 62,000 से ज्यादा शरणार्थी हैं। तीसरा नंबर महाराष्ट्र का है,
वहां पर 47,000 से ज्यादा शरणार्थी हैं, कर्नाटक में भी 34,000 से ज्यादा शरणार्थी हैं। इस बिल के खिलाफ जो सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है वो पूर्वोत्तर राज्यों में है, यानी असम और उसके आसपास के छोटे छोटे राज्य। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पर शरणार्थियों की तादाद 13 और 12 है, यानी 13 शरणार्थी सरकारी आंकड़ों के अनुसार असम में है और 12 शरणार्थी या 21 शरणार्थी सरकारी आंकड़ों के अनुसार बंगाल में है। तो जहां पर इस बिल को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा है वहां पर शरणार्थी सबसे कम है, और जहां पर शरणार्थियों की बहुत बड़ी बड़ी तादाद है, बल्कि सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, वहां पर बिल के खिलाफ कोई बड़ा हंगामा नहीं है, बल्कि बिल में मुसलमानों के साथ जो पक्षपात है उसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो दोस्तों, इन आंकड़ों की रोशनी में आप जान सकते हैं कि इस बिल की राजनीति क्या है, इसके जरिए से सरकार क्या करना चाहती है। आज हमारे देश में दो समस्याएं बहुत बड़ी हुई हैं। पहली समस्या आर्थिक है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, बाजार में मंदी है, लोग परेशान हैं, महंगाई प्याज के दाम आसमान पे पहुंचे हुए हैं। दूसरी समस्या बलात्कार और महिलाओं पे होने वाला अत्याचार है। सरकार के पास इन दोनों समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, इसलिए वो कभी तो एनआरसी का मामला उठा देती है, कभी जो है वो सीएबी के पे बहस शुरू कर देती है, और कभी इस तरह के समस्याओं को उठाकर, इस तरह के प्रॉब्लम्स को उठाकर लोगों का ध्यान मूल समस्याओं से हटा देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।